क्या ये बोला ना भाई, ये तो दो दो आदमी लगते दो कंपलसरी। वो स्टैंड निकाल, एसडब्ल्यू मोटे का स्टैंड डाल, हैंड विंड नहीं डायरेक्ट बाइक ही रिप्लेस कर दी। कल जो दोपहर को ढाबे पे गया था वहाँ पे हैवी लंच किया, उसके बाद घर आने के बाद कुछ डिनर नहीं किया था, हल्का सा फ्रूट खाया, अभी बहुत हैवी भूख लगी थी, सुबह सुबह ऑर्डर किया उपमा। ये बर्तन को लेके एक निंजा टेक्निक पता चली है, जब भी आप कोई चीज़ करते हो खाते हो तो उसके बाद उसे तुरंत वॉश कर देना, तो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होती। ये मेरे एक फ्रेंड ने बताया था और ये रियली वर्क कर रहा है। कल रात से मेरे दिमाग में ट्रैवल के बारे में सोच चालू है कि कैसे करे क्या करे, बहुत दिनों के बाद घर से बाहर भी निकल रहा हूँ। कोविड की चिंता बिल्कुल नहीं है दिमाग में, मम्मी को चिंता है, मम्मी बार बार फ़ोन करके बोल रही है जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे तूने देखा क्या, केसेस कितने हैं, क्या है, कहाँ पे रहने वाला है, कौन से होटल में रहने वाला है, वो होटल सेफ है क्या, मम्मी मम्मी और मम्मी के क्वेश्चंस ये तो होते रहेंगे। आज मुझे घर रह के सारी तैयारी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, बाइक को भी ल्यूब करना है। बाइक को ल्यूब मैंने बहुत टाइम पहले किया था, आजकल बाइक चला ही नहीं रहा हूँ ज़्यादा, तो ल्यूब किया ही नहीं था, आज उसे ल्यूब करना है। दोपहर को भूषण आएगा यहाँ पे, भूषण आने के बाद दोनों बाइक का साथ में ल्यूब कर दे, ऐसे उसने भी अपने बाइक को ल्यूब नहीं किया है। कपड़े वॉशिंग के लिए डाल दी, ये काम भी सारे मुझे करने पड़ते, पहले ये सारे काम मम्मी करती थी इसलिए मैं दिखाता नहीं था। अभी अपने राइड की तैयारी में ये चीज़ें भी करनी पड़ती है। हमने अपनी राइड क्या पोस्टपोन की, मैं न्यूज़ में देख रहा था महाराष्ट्र में 3-4 जगह पे बारिश के चांसेस है, हम कल निकलने वाले, आज धूप थोड़ी कम है, अगर आज निकलते तो बाइक चलाने में और मज़ा आता, कोई बात नहीं 3-4 दिन बोल रहे तो कल भी शायद से ऐसे ही वेदर रहेगा। अभी थोड़ा क्लाउडी वेदर है, धूप कम है, लेकिन ये बाइक चलाने के लिए अच्छा है, घर बैठते तो ये बोर लगता है लेकिन रोड पर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ये कल मैं मम्मी को बोल रहा था निकाल लेता हूँ, इसीलिए मुझे यही डर था। देखो यहाँ पर थोड़ा कलर निकला है, इसको पता चलेगा आपको, अभी इतना निकाला है, ये सारा निकालना बाकी है, बहुत आराम आराम से ध्यान ध्यान से निकालना पड़ रहा है, अगर जोर से खींचूंगा तो कलर निकलेगा। ये वाला मेरा चार्जर है, ये वाला मेरा चार्जर नहीं, शायद से अविनाश हो गया, कोई तो भूल के गया। ये मेरी पहली वाली राइडिंग पैंट है, ये राइड में ये यूज नहीं करूंगा, हमने नहीं ली है, इसमें अपने राइडिंग बूट, के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये एक बैग है मेरे पास वाइटरा का और एक रैनॉक्स का बैग है, अभी देखता हूँ मैं कितना सामान जाएगा, बिकॉज वाइटरा का एक बैग लेता हूँ तो वो 75 लीटर का है और जो रैनॉक्स का बैग है वो अराउंड 45 या 50 लीटर का है। वाइटरा में सामान ज़्यादा जाएगा लेकिन मुझे देखना है उतना सामान मेरे पास है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सबसे मेन चीज़ होती है, या लैपटॉप ड्रोन कैमरा, हाँ ये राइड में मैं ड्रोन लेके जाने वाला हूँ, तो लैपटॉप ड्रोन कैमरा सारे वायर्स सब प्रॉपर सेट होने चाहिए, अगर वो वाइटरा में सेट होते तो मैं वाइटरा लेके जाऊँगा, अगर मुझे लगता है रैनॉक्स के बैग में सारा सेट हो जाएगा तो हम लोग रैनॉक्स का बैग ही लेके जाएंगे। इसके साथ एक ही गलती हुआ है मेरा, जब भी हम लोग कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसे यूज़ करना चाहिए, मैं जब नया ग्लव्स लेता हूँ, नया बूट लेता हूँ, नया जैकेट या कोई भी चीज़ मैं छोटा वनडे वाले राइड पे यूज़ करता हूँ। ये वाली जो पैंट है ये मैंने वनडे राइड पे यूज़ नहीं किया, गर्मी ज़्यादा थी इसलिए मैंने अवॉइड किया पैंट पहनना, तो अभी पंगा ये होने वाला, ये जो राइड है इसमें ये नई पैंट है और इसकी ये फर्स्ट राइड होगी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, स्टार्टिंग के 100 या 200 किलोमीटर अनकंफर्टेबल लग सकता है, उसके बाद अपना आदत हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा है, अरे बहुत, एक 10 मिनट और 10 मिनट के बाद एसी लगाते हैं। अभी तू जस्ट बाहर से आया, उसमें डायरेक्ट एसी में जाएगा तो थोड़ा तकलीफ होगा, सर दर्द होने के चांसेस होते हैं। चलो हो गया, अभी थोड़ा सेट हो, मैनेज हुआ, वेट का मैनेज हुआ, भूषण ने पैनियर्स लोड कर दिया लेकिन एक पैनियर में एक साइड में थोड़ा ज़्यादा वेट है, इस वजह से गाड़ी थोड़ा हल्का वोबल हो रहा है, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा, जैसे हम लोग वेट मैनेज कर देंगे वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर दूंगा, वो तो कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ मुझे, मैंने भी अभी एक छोटा राउंड मारा लेकिन वो ज़्यादा नहीं लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, सारे चढ़ता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं संभाल लेता। क्या कम्फर्ट है यार, कौन बोलता है हिमालयन पीछे कम्फर्ट नहीं है, अच्छा खासा कम्फर्टेबल तो है, मैं पिलियन हो गया तेरे साथ सर। क्या मजा आ गया, मैं बाइक को ल्यूब करने आया लेकिन बाइक का चाबी घर पे ही रखा है, तो अभी मैं यहाँ पे जगह पे इसे ल्यूब करूँगा, दे दे ल्यूब पहले इसे कर देता हूँ, न्यूट्रल में ही है शायद से ये, हाँ हो जाएगा।
है पीछे के टायर। हाँ तो ऐसा लग रहा है कि अपने पास वैसे भी टायर इंफ्लेटेड है तो उसका दिक्कत नहीं है। हाँ मैंने भी लाया स्पेयर में। हाँ तो मेरे पास सिर्फ अभी ये नहीं है कि अपना टायर पंचर का। अरे वो तो कर लेंगे मैनेजर। ये मैक्सिमा का ल्यूब यूज कर रहा हूँ, पहले मैं पुटोलिंग का ल्यूब यूज कर रहा था। पुटोलिंग का ल्यूब बेस्ट है, वाइट ल्यूब है तो समझ में आता है ल्यूब कितना हुआ कैसे हुआ। ये ल्यूब में नीचे जब ल्यूब आता है, नीचे जब ल्यूब गिरता है तो वो बेस्ट है। मतलब आप ज़्यादा ल्यूब यूज कर रहे हो तो ये पुटोलिंग का ही बेस्ट है। अगर आप ल्यूब यूज करते हो अलग अलग कंपनी के तो एक बार पुटोलिंग का ट्राई करना, पुटोलिंग का ल्यूब मस्त है। तेरे को एक चैलेंज है ये, इसको डबल स्टैंड पे डाल पाएगा। स्ट्रॉम टाइगर इनके जो डबल स्टैंड आते हैं, सेंटर स्टैंड आते हैं, ये सेंटर स्टैंड जीवी के यूज़ करते हैं हम लोग, नहीं तो SW मोटेक के यूज़ करते। तो आप हल्का पुश भी करोगे तो बहुत आसानी से गाड़ी ऊपर आती है। 216 kg वेट है तो भी आसानी से ऊपर आती है। हिमालयन का थोड़ा मुश्किल है इसलिए ये सता रहा है। पकड़ क्या ये बोला ना भाई, ये तो दो आदमी लगते दो कंपलसरी। वो स्टैंड निकल SW मोटेक का स्टैंड डाल, हैंडविल नहीं डायरेक्ट बाइक ही रिप्लेस करेंगे। हां ऐसा कुछ डिसीजन ले, बाइक ही डायरेक्ट रिप्लेस, स्टैंड चेंज नहीं करना। पर हिमालयन की ने मेरा प्यार अलग है तो कुछ बाइक के लिए प्यार वो अलग चीज होती है। लेकिन क्या ही है इतना, अगर मैं इतना ताकत मेरी गाड़ी पे लगाऊं तो मेरी गाड़ी लोडेड गाड़ी पीछे आ जाएगी। कुछ खाना है या जस्ट चाय पीना है? चाय नहीं, वो ये पीते अभी, उस दिन गए थे ना वो। अच्छा मतलब ठंडा पीना है कुछ? चाय नहीं पीएंगे? चाय का टाइमिंग था ना, चाय पीते। चाय अपने उधर आज भूषण चाय के लिए ना बोल रहा है। नहीं चाय पिएंगे ना, भूषण चाय के लिए ना बोल रहा है। चाय पिएंगे, क्लब हाउस में चाय पिएंगे। चलो चलो। क्या हुआ क्या हुआ है मुझे? मैंने अभी अविनाश आया था तो अविनाश ने ऑटोमेटिक इंडेवर लेके आया, तब से मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक इंडेवर घूम रही है। फर्स्ट गियर पे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। वाटरमेलन लिया था, ये बार ब्लू। हाँ सही है। पिछले 1.5 hours से सारी सेटिंग कर रहा हूँ, सारा सामान पैक कर रहा हूँ। सारा सामान हो गया, अभी हमें पता चला है शायद से कर्नाटक के बाउंड्री पे चेकिंग हो सकती है, टेस्ट करना पड़ सकता है, पता नहीं है, देखेंगे जैसे होगा। बिकॉज मैंने मुंबई में चेक किया तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, देखेंगे वहाँ पे जो होगा वो सामने सामने देख लेंगे। अभी मेन चीज़ है मुझे ये व्लॉग फटाफट एंड करके यहाँ पे अपना व्लॉग एडिटिंग के लिए डालना है, और ये व्लॉग आपको कल मॉर्निंग को देना है। अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो ये व्लॉग मैं आपको दे नहीं पाऊँगा और अपना जर्नी भी जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। अभी हमारा डिस्कशन चालू है, शायद से हम लोग अभी ही निकले, मतलब सब तैयारी वगैरह पैकअप करके निकलने में हमें 11-12 बज सकते हैं, तो 11-12 बजे भी निकल सकते हैं या फिर 3-4 बजे अर्ली मॉर्निंग में निकल सकते हैं, देखते हैं। भाई ने तो अभी अच्छा खासा नींद कंप्लीट किया है। डेढ़ घंटा सोया था मैं, 15 मिनट और डेढ़ घंटा फ़र्क है। अभी मेन जो चीज़ें चालू है ये सारी चीज़ों में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा किसमें मैं क्या रखूँ, बिकॉज अभी फाइनल ये हुआ है ये बैग में मैं सारा सामान डालूंगा। एक लास्ट ऑप्शन मैंने रैनॉक्स का बैग रखा है, अगर नहीं बैठता तो फिर रैनॉक्स का बैग इसके ऊपर डाल के कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। गाइस आज के ब्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा। आई होप कि आपको हमारा आज का दिन पसंद आया होगा, आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो ही हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कंटेंट ठीक नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।